हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर डोज के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी से जानते हैं कि हमने हमारे हिस्ट्री का एक चैप्टर जो है अच्छे तरीके से क्या कंप्लीट कर लिया। आज यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो नहीं शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चन लर्न करने, आप बस वो लर्न करोगे आपको पूरा चैप्टर हो जाता है। आपको उससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उस क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, आप चैनल पे क्या चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूं आपके सेकंड चैप्टर से। इसका नाम है आपका लोकेशन, लोकेशन एंड एक्सटेंट। ये हमारे क्या चैप्टर का नाम है। ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा लोकेशन एच जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलो आपके लिए लिख भी देता हूं मैं, ना बोलोगे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है। लोकेशन एंड एक्सटेंट। अब ये चैप्टर शुरू तो मैं कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले एक चीज, आप अर्थ का शेप जान लो। अर्थ का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है? अर्थ का शेप जो होता है ना भाई, वो कौन सा शेप होता है? वो आपका जॉइड शेप होता है। कौन सा शेप होता है? जॉइड। अब जॉइड कौन सा शेप होता है? आपने अनियन देखा होगा, अनियन की जब पील्स हम निकाल लेते हैं तो आप देखोगे ऊपर फ्लैट हो जाता है और नीचे फ्लैट हो जाता है और बाजू बाजू गोल होता है, तो उसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइड शेप बोलते हैं। अब हमारे अर्थ पे दो इमेजिनरी लाइंस होती है, एक आपका ऐसा लाइन होता है और एक आपका ऐसा लाइन होता है। अब इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। और इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन शायद कुछ लोग होंगे जिनको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो इस वजह से मैं उनके लिए क्या बता रहा हूं कि आपको चीजें तो क्लियर समझ में आए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अब हमारे 0 डिग्री पे एक लैटिट्यूड आता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है? हमारा जो अर्थ दो पार्ट में क्या डिवाइड हो जाता है। अब ये जो चीज दो पार्ट में डिवाइड हो रही ना, इसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब यहां पे मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूं। जब भी हम देखो डायरेक्शन प्लेस करते हैं तो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट में साउथ होता है। ये वाला जो डायरेक्शन है ईस्ट होता है, और ये वाला डायरेक्शन जो होता है वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन आपको मेरे ख्याल से क्लियर समझ में। कभी भी आप बुक में प्लेस करो, हमेशा ऊपर ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर उस साइड, यानी आपके आप लिखते साइड, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या वेस्ट आएगा। ये चीज समझ के रखना, समझा। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अब देखो ये हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ है तो कौन सा हेमिस्फीयर हो गया? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब ये हेमिस्फीयर नीचे की तरफ है तो कौन सा डायरेक्शन है? साउथ हेमिस्फीयर, तो साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। सेम चीज ऊपर पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया? ये आपका साउथ पोल हो गया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक था जो मैं आपको बताने वाला था। चलो अब एक एक करके आप चैप्टर के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहली चीज जो आपको इंडिया के बारे में जान लेनी है और ब्राजील के बारे में जान लेनी है, एक क्लू दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको चीजें क्या समझ लेनी। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि हमारा जो देश था, हमारा देश था है नहीं है, देखो इंडिया, अब वो पॉपुलेशन के टर्म पे क्या सेकेंड रैंक करता था? क्या रैंक करता था? सेकेंड रैंक करता था। हाँ मैं जानता हूं कि अभी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमारे बुक में सेकेंड दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे मैं सेकेंड बोल रहा हूं। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, हमारा जो देश है वो क्या मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था? है भी, एक्चुअली स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे स्पाइसेस, यहाँ से स्पाइसेस क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट यानी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री क्या भेजे जाते हैं। अब इसी चीज अगर बात करूं तो यहाँ पे हर एक गली, हर गली मोहल्ले में जो सबसे प्यारा खेल जो माना जाता है और जो पॉपुलर स्पोर्ट है हमारे देश में, वो आपका क्रिकेट है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्रिकेट हमारा पॉपुलर स्पोर्ट है, नेशनल गेम हमारा हॉकी है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको क्लियर क्लियर होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। ये 3 चीज आपको लर्न कर लेनी है। अब यहाँ पे ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील को, ब्राजील में जो फेमस डांस है वो क्या? सांबा है। जो आपके शोले वाला सांबा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कालिया सांबा वाला सांबा नहीं है, ये सांबा एक डांस फॉर्म होता है जो ब्राजील में क्या परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद हम ब्राजील को क्या बोला जाता है? कॉफी पॉट बोला जाता है। कॉफी पॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्राजील में अगर मैं बात करूं तो ब्राजील में क्या किया जाता है? जो कॉफी की जो पैदावार है बहुत ज्यादा, इस वजह से उसको क्या कॉफी पॉट बोला जाता है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो गेम है कि जो सबसे ज्यादा खेला जाता है वो क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल एक गेम है जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा खेलते हुए लोग दिखाई देंगे दोस्तों, पढ़ेंगे और आपको ये चीजें क्या लेन खेलें। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा इन डैश इन ब्राजील, इन ब्राजील डैश इज अ पॉपुलर स्पोर्ट, तो आप क्या लिखोगे? फुटबॉल। इन ब्राजील डैश इज द फेवरेट डांस फॉर्म, तो सांबा।
समझ में आ गया। इनवर्ट ब्राजिल इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो आपके लिए कॉफी वर्ड। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्या क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम क्या बात करने वाले, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ बोथ द नेशंस। अब पूरे ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे इस साल, ब्राजील और इंडिया के बारे में क्या कंपैरिजन पढ़ेंगे, कहां पे वो लाई करते, कहां पे हम लाई करते, कहां पे उनका वेजिटेशन है, कहां पे हमारा वेजिटेशन, ये सारी चीजें हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब मैंने आपको अर्थ का शेप बताया, अर्थ के होते दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री बोलते हैं, जीरो डिग्री इक्वेटर इसको हम लोग नाम देते हैं, ऊपर वाले को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो इंडिया लाई करता है वो कहाँ पे लाई करता है, वो आपके ईस्ट वाले पार्ट में क्या लाई करता है, ठीक है, नॉर्दर्न के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या लाई करता है। अब नॉर्दर्न के कौन से डायरेक्शन में लाई करता है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो इंडिया ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो आपका ईस्ट वाला डायरेक्शन। देखो यहां से भी एक लाइन पास होती है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो ये वाला रीजन आपका ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये वाला आपका रीजन वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या हमारा जो इंडिया क्या लाए करता है दोस्तों। अभी यहां पे मैं आपको आगे भी बता देता हूं, देखो ये मैप है आपका। अब मैप पे अगर मैं चीजों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, हमारा इंडिया देखने मिल रहा है आपको, देखो सीधा सीधा प्लेस हो जा रहा है, देखो टिप दिख रही है यहां पर आपको, दिख रही है। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, देखो ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा क्या इसको ज़ूम करके दिखाऊंगा, अब ज़ूम करके दिखाऊंगा तो आपको जीरो डिग्री दिखेगा, दिख रहा है जीरो डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, जीरो डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर लाइक करता, अब इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या होगा सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया ये आपका क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, और ये आपका क्या होगा सदर्न हेमिस्फीयर होगा, ये हमारा क्या है इक्वेटर। देखो यहां पे इक्वेटर प्लेस भी किया गया है, क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो अब मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्शन दिखाता हूं, ये देखो ये वाली लाइन थोड़ा सा गौर फरमाते चलना, ये आपका जीरो डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, देखो 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 ये इंडिया आ गया। अब इंडिया आया, ये आपके क्या है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि ये कौन से में लाइक करता है, ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या लाइक करता है, ये आपको क्या क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैंने क्या बोला, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, तो देखो यहां पर मैं आपको चीजें दिखा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें और समझेंगे। यहां पर आपको जीरो डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो जीरो डिग्री ईस्ट और वेस्ट। अब यहां पे देखो, ये देखो ये मिडल लाइन है, ये देखो यहां पे आपको पॉइंट इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे, तो यहां पे ये मिडल पॉइंट है आपका, तो ये ईस्ट साइड लाइक कर रहा है, तो ईस्टर्न है, तो हमारा इंडिया कहां लाइक करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है। आप मैप में भी क्या आप देख सकते हो यहां पर क्या प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अब हमारा जो इंडिया लाइक करता है कौन सी कॉन्टिनेंट में लाइक करता है, एशियन कॉन्टिनेंट में लाइक करता है। अब एशियन कॉन्टिनेंट के ये सदर्न मोस्ट जो पार्ट है वहां पे लाइक करता है, कहां पे, सदर्न मोस्ट पार्ट में, आप लोग लिख दे रहा सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब यहां पे अगर मैं बताऊं तो देखो सबसे पहली चीज यहां पे बता देता हूं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला, हमारा इंडिया जो एशियन कॉन्टिनेंट में लाइक करता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट आपको ये दिख रहा है, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट। अब यहां पे देखना, मैं आपको डायरेक्शन बताया, ये नॉर्थ हो गया और नीचे क्या होता है साउथ होता है। अब नॉर्थ में हमें इंडिया दिख रहा है, नहीं साउथ में दिख रहा, साउथ में सबसे नीचे क्या है, इंडिया है, तो आप क्या लिखोगे, इंडिया लाइज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज आपको, दो पॉइंट यहां पे मैंने आपको बता दिया, अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा आपके रीजन के बारे में। अब यहां पे मैं टेक्स्ट बुक खोल ले रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैप दिया हुआ है, मैंने मैप लिया नहीं बोर्ड पे, तो इस वजह से टेक्स्ट बुक खोलना पड़ रहा है। अब ये देखोगे, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको दो क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जा सकता है, सबसे पहली चीज आपसे ये पूछी जा सकती है कि द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या है, देखो ये इंदिरा पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का वो क्या आपका इंदिरा पॉइंट है, समझ में आ गया। क्योंकि देखो लास्ट में यहां पे बाउंड्री क्या होती है आपकी, खत्म होती है, देखो सदर्न मोस्ट टिप है, लास्ट जमीन है आपकी इंडिया की, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका इंदिरा पॉइंट होता है। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो आप क्या लिखोगे, कन्याकुमारी लिखोगे, क्या लिखोगे, कन्याकुमारी क्या लिखोगे। अब ये लाइक कहां पे करता है, इंडिया इंदिरा पॉइंट 6 degrees 45 minutes नॉर्थ पैरेलल। अब यहां पे अगर मैं देखू, देखो 4 degrees 5 degrees 6 degrees पे देखो इंदिरा पॉइंट लाइक कर रहा है,
और 5 डिग्री पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या हो गया, 5 डिग्री आपका क्या पैरेलल पे क्या लाए करता है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्या क्लियर, सॉरी 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल में क्या लाए करता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पे हमने क्या ये पूरा क्या कवर कर लिया। अब यहाँ पे हम ब्राजील की बात करिए, ब्राजील की बात करें तो वापस मैप पे जाएंगे हम लोग। अब ब्राजील कहाँ पे लाई करता है, ब्राजील जो आपका कुछ पार्ट जो है उसका किसमें आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और कुछ पार्ट जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में क्या लाई करता है। अब आपको लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहा भाई, देखो अब यहां पे मैं बात करूं तो देखो आपको ब्राजील दिख रहा है, ब्राजील देखो 0 डिग्री है। अब ये देखो ये रेड वाला पार्ट है ना, ब्राजील का ही पार्ट है। आप देखोगे कि इसका जो कुछ पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और बाकी जो पार्ट है ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, समझ में आ गया। और ये कहां पर लाइक करता है, आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या लाइक करता है, कहां पर लाइक करता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लाइक करता है। अब साथ ही साथ आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूं, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में लाइक करता है। ये देखो ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब दिख रहा है आपको कि मेजर जो रीजन है इसका कहां पे नॉर्दर्न डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ ही है। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहली चीज कि सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज कहां पे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड रिमेनिंग पार्ट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद इट लाइज इन द साउथ अमेरिकन क्या कॉन्टिनेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट। आप देखोगे ऊपर की तरफ, इसलिए इसको नॉर्दर्न पार्ट क्या बोला गया। क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, आपको ये चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि हम सभी से जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया का कि हमें जो आजादी मिली थी आपके ईयर 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, हमने कुछ नहीं तो 150 साल अंग्रेजों की क्या गुलामी की थी। ठीक है, अब अंग्रेजों की जब गुलामी कर रहे थे तभी भी हम बहुत सारी मुश्किलें क्या कर रहे थे, सामना कर रहे थे। फिर उसके उनके बाद भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी सिचुएशन वैसी नहीं थी, और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस जो हमारे देश में चल रहे थे आपके वो हमने क्या किया फेस किया। अब लेकिन फिर भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी हमने क्या किया, हमने जो है आपके देश को हमने आगे बढ़ाया और आज क्या कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा जो देश है वो क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, सही बात है। अब हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, क्या डेवलपिंग कंट्री मतलब क्या हो गया, जो कंट्री अभी डेवलप नहीं हुई डेवलप होने के रास्ते पे चल रही है, ठीक है, तो उसको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं ब्राजील की, तो ब्राजील एक ऐसा देश है जो जिसने क्या किया कुछ सौ साल तक वो क्या पोर्चुगीज के रूल के अंदर था, 1822 में उसको क्या आजादी मिली दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में ये जो हमारा ब्राजील देश है ये क्या कर रहा था, ये बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से क्या कर रहा था, गुजर रहा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने ये सारी डिफिकल्टीज को क्या ओवरकम किया। अब ओवरकम करने के बाद वो क्या आज हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूटर के रोल से क्या करता है, प्ले करता है दोस्तों। तो इट वॉज ऑल अबाउट क्या आपका लोकेशन एंड एक्सटेंट, इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, इस वजह से एक ही वीडियो में आपका खत्म हो गया। कुछ आपकी 12 से 13 मिनट की वीडियो आपकी बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गया, आपने इतनी चीजें कर ली इस चैप्टर में बस बहुत हो गया और आपको करने की जरूरत नहीं, एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि इससे और कई सारे वीडियोज हम आपके लिए करा सके आपके अपने ग्रेट रोल्स की चैनल पे दोस्तों।